शहर में बादलों के डेरे, मॉल रोड, गुलबर्ग, शालीमार, बंद रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश और झालाबारी का सिलसिला जारी। ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। मज़ीद तफसीला जानेंगे, जुनैरा इलियास हमारे साथ मौजूद हैं। जी जुनैरा, बिल्कुल सितरा, जहाँ तक मौसम की सूरत हाल की बात कर ली जाए तो तीन रोज़ा स्पेल जो है कल से, जो परसों रात से कहा जा सकता है कि लाहौर में एंटर हुआ था, और ये पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से कि तीन रोज़ा जो स्पेल है ये तीन दिन बरसेगा। वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और चंद इलाकों में बूंदाबांदी भी होगी। और अगर रात से बात कर ली जाए तो एक तेज़ बारिश देखने में आ रही है। इवन सुबह के टाइम भी 8 बजे तक जो है काली घटाओं ने आसमान पर डेरे डाले हुए थे। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सुबह हो चुकी है और बहुत तेज़ जो बारिश बरसी है। उसके बाद अब हल्की फुल्की जो है धूप निकल आई है। धूप की किरणें इस टाइम बड़ी प्यारी सी लग रही हैं, लेकिन सूरज और बादलों की आग मचोली भी आज सारा दिन यूं ही जारी रहने वाली है। उसके बाद वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला भी जारी रहेगा कल रात तक। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया था कि जो फरवरी के लास्ट तक है इसी तरह से जो मुख्तलिफ स्पेल्स हैं वो लाहौर में बरसेंगे, और ये चौथा स्पेल है जो कि जनवरी के बाद से कहा जा सकता है कि बरस रहा है, और इसी तरह से मजीद आने वाले दिनों में भी पेशगोई की गई है। जिसके बाद अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत कम से कम 7 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 16 या 17 डिग्री जाने के इम्कान है। हल्की फुल्की बादलों और सूरज की आंख मचोली भी जारी रहेगी। ओवरऑल मौसम इसी तरह से रहने वाला है। जब हवा चलती है तो सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा कहा जा सकता है कि थोड़ा सा देखने में आता है कि 3 से 4 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से हवा चलती है, और उसमें नमी का तनासब जो है आज और कल बहुत ज़्यादा होता है, और जिसके बाद अगर बारिश हो रही हो तो नमी का तनासब बढ़ जाता है, तो हवा चलती है तो वो बहुत सर्दी की शिद्दत का एहसास भी दिलाती है। तो इसी तरह से मौसम जो है कल तक रहने वाला है। ओवरऑल अगर मौसम की बात कर ली जाए तो अगले हफ्ते में फिर कहा जा रहा है कि एक बारिश होगी, और अभी जो है मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि कल तक यूं ही मौसम रहने वाला है। जी, बारिश ने सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा कर दिया। शुक्रिया सुनैरा इलियास, आपने अपडेट किया।